Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booking.pk. Now. फाइजा आंटी, मेरा नाम तो वसना है, मगर शायदा ने तो कहा था कि लड़की का नाम फाइजा है। कौन शायदा? बात सुने, आप शकील साहब की बेगम नहीं है? नहीं तो मैं तो यहाँ रिश्ते के लिए आई थी। हाँ, क्या हो गया, ये किसके रिश्ते के लिए आई है? क्या ये इरशाद साहब का घर नहीं है? आपको गलत फहमी हुई है, इरशाद साहब का घर तो वो सामने वाला है और फाइजा उन्हीं की बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है बेटा, तुम इतनी अच्छी हो तो वो भी अच्छी होगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी आपकी बेटी। वैसे आपकी बेटी की तारीफ तो आपकी पड़ोसियों ने भी बहुत की थी। एक बात बताऊं, मुझे वो बच्ची हुस्ना भी बहुत पसंद आई। जी, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हाँ अबू, अच्छे लोग हैं। वैसे आप लोगों को मालूम है कहीं उसकी कोई बात तो नहीं पक्की हुई? क्या मतलब? मुझे हुस्ना भी आपकी फायजा की तरह बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा। क्या सोचा? क्या सोचा आपने? हमारे घर में बैठ के आप पड़ोसियों की लड़कियों की बात मेरे साथ करेंगी? आप समझी नहीं है, माशाल्लाह से मेरे दो बेटे हैं और मैंने सोचा कि दूसरे बेटे के लिए हुस्ना को पसंद करूं। तो भाई, जिस बेटे के लिए आप आई पहले उसकी तो बात होने दें। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बुरी लगी है। ये जाहिर सी बात है, बुरा मानने वाली बात है। आप मेरे घर में बैठ के उनकी बातें किए जा रही हैं। और एक और बात, अगर आपने पड़ोसियों के घर में बयान आया ना तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन क्यों बहन? मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में हरगिज नहीं दूंगी जहाँ सामने वालों की लड़की हो। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। रजिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसी ही बातें करती हूँ। तस्दीक तो कर लिया करें कि सामने कौन है, लाके घर में बिठा लिया और बेचारी हुस्ना को भी चाय दे के उसके आगे पेश कर दिया आपने। अब मुझे क्या पता, तुम्हारे ही अब्बा कह के गए थे कि उनके दोस्त की बीवी आने वाली है, अब मैं क्या करूं, कोई और आ गई तो मैं तो यही समझूंगी ना कि वो आई है। इसी तरह ना किसी दिन आप चोर डाकुओं को भी लाके घर में बिठा लेंगी और उनको भी चाय पानी पूछ लेंगी। बस कर दो बस, चोर डाकू वहां घुसते हैं जहां लूटने के लिए। और तुम्हारे घर में कौन से कारून के खजाने दफन है भाई, जो कोई आएगा और आकर उठा के ले जाएगा? पता नहीं किस खुशफहमी में वो मुब्तला है। इतना कुछ तो है इस घर में, इस टाइम कोई नजर नहीं आता। क्या है तुम्हारे घर में? मैंने तुमसे कहा था मास्टर साहब से पंचायत लड़ने से पहले बात बात कर लेना, तुमने करी उनसे बात? अरे हाँ, मुलाकात तो हुई थी, बस सरसरी बात मेरी उनसे हुई। लेकिन तेरी खाला भी बहुत चालाक है, मैंने उन्हें मक्खन लगा दिया, उनके लिए लाहौर से मिठाई लेके आ गई थी। क्या बात है खाला, क्या बात है, बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, हमें तो एक ग्लास का पानी का भी नहीं पूछती हो तुम यार। अरे खाला सदके जाए, तेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, तू तो अपने घर का बच्चा है। अब बच्चा तो बेच के खा जाओगी तुम। अच्छा बहरहाल एक बात सुनो, ये देखो ये जो कुर्सियां लगी हुई ना, ये 1000 रुपए पर एक थी, पर जो भाई लेकर आया था ना ये उससे मैंने बहस करके 500 रुपए करवाया, और ये शामियाने के पैसे अलग। देखो भाई, एक घंटे के अंदर ये पंचायत निपटानी है, किराया डबल हो गया तो तुम दोगी पैसे का डबल, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी यार, मैं नहीं चाहता इतने पैसे दो तुम। चल हट, बातों बातों में मेरे पे पैसे डालता जा रहा है, काम क्यों मैं क्यों दूंगी? यहाँ पे मेरे बाप का वलीमा हो रहा है क्या जो मैं पैसे भरूंगी? गेट बजाने के अंदाज से ही समझ गई थी कि कुछ जाहिल उजड़ आया है बाहर। ओ, कुछ शर्म हया बाकी है या वो भी बेच के खा गई हो? मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया और उन लोगों को तुमने अपने घर बुला लिया। ओ बहन, जरा आराम से, मेरे घर के दरवाजे पर आकर ना चीखो पुकार करने की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। बस करो, नजर आ रहा है मुझे कितनी इज्जतदार हो तुम। अरे अजनबी औरत के सामने तुमने अपनी बेटी को आगे कर दिया ताकि मेरी बेटी का रिश्ता ना हो सके। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कैसी बेहूदा बातें कर रही हो? बीबी सच कह रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ तुम्हें। किस बात का आईना? एक तो तुम्हारे मेहमान को इज्जत दी, अपने घर की चाय जाएगी उस पे, बातें भी तू मुझे सुना रही है, किस किस्म की औरत है? गौसिया एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे तक तो ठीक है लेकिन अगर मेरी औलादों का तुमने बुरा सोचा ना तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। अरे चल चल, बढ़िया ही ईंट से ईंट बजा दूंगी, मेरी नरमी को ना मेरी कमजोरी मत समझना, सिर का बट्टा मारकर सर फाड़ दूंगी तेरा। ऐसा क्या किया है जो बातें सुना रही है? अरे तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का रिश्ता होते होते रह गया, तो भाई हमारा क्या कसूर है इसमें, हमारे गले क्यों पड़ रही है? अरे अम्मी क्या कर रही है आप, क्यों लड़ रही है आप, चले घर चले। चुप करो तुम,
रजिया घर चल। लेकर जाओ, लेकर जाओ, संभालो। तुम ही चुप हो जाओ। ये क्यों चुप होगी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह वाह, मैं बता रही हूँ हमने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे यहाँ से। मेरी बात सुन ले कान खोल के। जो लोग यहाँ पे आएंगे ना भाई, उनसे लेना ना पैसे। मैं गरीब औरत कहाँ से पैसे दूँ? यार आप तुमसे उड़े, ये क्या हो रहा है? क्यों लेके जाओ? मैं डरती हूँ तुमसे। अरे लड़ाई हो रही है। अरे नेकबक, मैं तेरे आगे क्या शोर मचा रखा है इन लोगों ने? खैरियत तो है, क्या क्या हो गया? अब किसने किसको क्या कहते हैं, किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? अरे खाला, मेरी बेटी का रिश्ता आया, अपने घर बुला के हमारे खिलाफ जहर उगला इसने और अपनी बेटी आगे कर दी। अल्लाह माफ करे गौसिया, बहुत गुनाह होगा। मैं अल्लेदारी का मतलब ये नहीं है। रेशम गली है, रेशमी बातें करो भाई। अरे खाला, मैं तुझे जानती तक नहीं थी। मैं तो जानती तक नहीं थी, वो खुद आ गई हमारे घर, हमने चाय पानी पूछ लिया। मैं क्या जानू, वो इसके घर आने वाली थी पहले। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, ये सच कह रही है, तू ठीक है भाई, ये गलत। ओ खाला, तुम तो चुप ही करो। अब तुम तो गुम सिलाई हो, कभी इधर तो कभी उधर। अरे मेरी बात सुनो, देखो भाई, वहाँ मास्टर साहब ने पंचायत लगाई हुई है, 15 मिनट में पंचायत शुरू हो जाएगी। आप लोग के जो फड्डे ना उसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें, जिससे जिसको जो भी गाली दी थी वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। अभी शामियाने की शाइन देखो यार, कुर्सियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है वो देखो तुम लोग। यार सही है भाई, इस फड्डे को फटाफट खत्म करो आज। पैसे वापस करो हमारे। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। चलो भाई इरशाद भैया बयान करो। मास्टर साहब, खाला गुम से लाई, मेरा मतलब है बी जमीला ने 2 माह पहले रेशम गली वालों के साथ मिलकर एक कमेटी डाली। हम मिला के कुल 10 मेंबर थे, 5,000 रुपए महीना की बीसी थी। हमने मिला के 50,000 रुपए इनके पास जमा कराए। बस जी, जब बीसी खुलने का टाइम आया मास्टर साहब, तो इनके दरवाजे पे लग गया ताला। फिर हमने किया फोन और इनका फोन भी बंद। अब आप बताइए, ज्यादती हुई ना हमारे साथ। इनसे कहें हमारे पैसे सीधी शराफत से दे दें। हाँ भाई जमीला, बताओ। ना हमारे बड़े तो ये हरकत कर ही रहे, तुम भी ये हरकत कर रही है। तो क्या जरूरत तुम्हारी अम्मी को इतना तमाशा करने की? मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी अम्मी ने ठीक किया है, बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। अच्छा वैसे हुआ क्या था, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। हजरत, एक ऐलान समाज फरमाइए, एक बच्चा गुम हो गया है। ठीक कर, सेटिंग करता फिर है। इसी का ऐलान हो रहा है। हट जा। डॉक्टर साहब, मैं क्या करती? अचानक से मेरी पुप्पी बिचारी आखिरी सांसों में थी, मुझे जाना पड़ा। अरे तो जाते जाते बता के जाना चाहिए था ना, अब रातों रात गायब होगी तो हम यही समझेंगे ना। मास्टर साहब, हम लोग महदूद आमदनी वाले लोग हैं, हमारे बाप दादा की कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। इससे कहें सीधी शराफत से हमारे पैसे वापस करें। चलो बताओ भाई जमीला, क्या जवाब है तुम्हारे पास? बस साहब, मैं तन-तन्हा औरत बेवा, वो पैसे तो चोरी हो गए, मैं कहाँ से दूँ इनको? खाला तुम्हारे साथ तो बड़ा बैड सीन हो गया यार, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा रहा यार। हाय बेटा, लेकिन इस रेशम गली वालों को ये बात कौन समझाए? अब क्या बताऊं, वो आंटी हमारे घर पे बैठ के तुम्हारी तारीफें कर रही थी। हाँ, और तो उसके साथ साथ अपने दूसरे बेटे के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर रही थी। रिश्ता? फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस अम्मी भड़क गई, भड़कने के बाद अम्मी का ये रवैया सुनने के बाद ना वो आंटी उठ के चली गई। फायजा के रिश्ते का क्या हुआ? बात खराब हो गई यार। वैसे तो इस मौके पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ तो मत बोलना, चुप रह। जब बोलना बनता ही नहीं है तो क्यों बोलता है तू हर बात में? अरे भाभी क्यों मुंह से फायरिंग कर रही है यार, थोड़ा तो बोलने दो। चलो आओ जमीन भैया, बात करो। एक्सक्यूज मी, इजाजत है? बोलो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे रुक जा, ये जलसा थोड़ी हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अरे मुद्दा बयान कर मेरा। अच्छा भाई, देखो भाई, मेरे काबिल दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, गुद्दी में सुलझा देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये खाला है इनके साथ वारदात हुई है, इसीलिए बेहतर यही है कि मोहल्लेदारों का लिहाज करते हुए आपा को माफ कर दिया जाए। कहना बड़ा आसान होता है जमील, अभी तुम्हारे पैसे जाते ना तो तुम यहाँ खड़े होकर तकरीर ना कर रहे होते। अरे भाभी जिंदगी 2 पल की ऐसी हमारी ढलती है भाई, कहने का मकसद ये है कि हमारे खाला को ज्यादा सब में ना दो, ज्यादा टेंशन नहीं दो। अगर आपा का बीपी हाई हो जाए, शुगर डाउन हो जाए, इसके अलावा इनको हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, हालांकि लाश यहाँ पड़ी हो, इंतकाल करें। बच्चा है तू, जाके मेरी क्यों लाश पड़ी है भैया?
अरे अच्छी भली हट्टी कटी हो, बस वो तो पैसे चोरी हो गए। मेरी कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ लाश पड़ी होगी तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि यार अच्छी खातून थी, काश इनको माफ करती होता तो तब की तब क्यों बोल रहे हो? आज वो जिंदा है तो माफ कर दो ना यार। बस यही छोटी सहनी ने गली के लोगों की जो मुझे जहर लगती है। मतलब उस औरत ने सिर्फ मेरी तारीफ ही तो की थी, इस बात पे अपनी बेटी का भी रिश्ता नहीं होने दिया। मैंने और अब्बू ने तो साफ कह दिया कि अम्मी ने गलत किया। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? बात सुने भाई, भाई मेरे ख्याल से जमील मियां सही कह रहे हैं, जिंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से तुम सब भी अल्लाह के नाम पे जमीला बी को माफ कर, अल्लाह तुम्हें और दे देगा। बोलो भाई क्या सोचा, जल्दी फैसला करो। मेरी बच्ची, मेरे दिल का सुकून, मेरे जिगर का टुकड़ा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। भाई को सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम शरीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ये कौन है? खाला ये पड़ोसी है, पास में ही रहते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम आंटी। हाँ वालेकुम सलाम। बेटा जरा ये बैग तो उतार दे, मेरा शरीफ है ना वजन नहीं उठा सकता, ज्यादा नाप उतर जाती है। उतार दे शाफिर जल्दी से। जी जी मैं उठा लेता हूँ। चले खाला अंदर चले। हाँ हाँ चलो। आए शरीफ भाई। बंदा कम से कम झूठे मुझ शुक्रिया ही बोल देता यार। माफ किया आप सबने? हाँ माफ कर दिया मास्टर साहब। जी हाँ भाई, भाई माफ कर दिया, माफ कर दिया। जी मास्टर साहब। हाँ भाई माफ कर दिया भाई। हाँ माशा अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। भाई खाला आपकी आमद तो ऐसे लग रही है जैसे ताजा हवा का झोंका। हाय मैं कुर्बान, खाला कुर्बान अपनी भांजियों पर, मेरी आंखों का नूर हो तुम दोनों तो। ये जो आपने मिसाल दी है ना ताजा हवा का झोंका, लगता है उर्दू अदब से काफी लगाव है आपको। हाँ वो दरअसल मैं खवातीन डाइजेस्ट बहुत पढ़ती हूँ ना, और वो सुनी होगी ना तीन औरतें तीन कहानियाँ। खाला डाइजेस्ट की सूरत में जो रद्दी जमा करती है आपको पता है, मैंने पिछले महीने पूरे 3,000 की रद्दी बेची है। भाई तो पढ़ना पढ़ाना तो अच्छी बात है, तुम्हारी अम्मा मरहुमा को बड़ा शौक था पढ़ने का। अरे मेरी प्यारी भाभी इतना जल्दी छोड़ के चली गई हमें। अम्मा बस आप रोना बंद करें आप दोनों। अम्मा वैसे एक दिन तो सबको जाना ही है। भाई चुप कर जा, ज्यादा फलसफा मत बोल, बाहर जाकर देख लड़का सामान नहीं लाया अभी तक। अरे आपा आप भी जाए ना, दरवाजा बंद करें। हाँ कल आइंदा चलते हैं। जी फैसला हुआ, मेरे तो समझ से बाहर है भाई, ये क्या है भाई। हाँ अबू क्या क्या हुआ फिर फैसला? अरे फैसला क्या होना है, माफी हो गई है। दादा था मुझे, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर साहब के कहने की वजह से माफ किया, वरना मुझे बड़ा अफसोस है अपने पैसे जाने का। ठीक कहती हो भाभी, अफसोस तो हमें भी अपने पैसों का, लेकिन अब क्या करें, मास्टर साहब के आगे बोल थोड़ी सकते हैं। हाँ वो आंटी मैं बताना भूल गया आपको, आपके घर में कोई मेहमान है। अल्लाह फिर मुसीबत आ गई, एक और आई होगी वही हैदराबाद वाली बला। तेरी बड़ी नजरें चल रही हैं आजकल मेरे घर की तरफ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुझे बड़ा पता है? वो मैं ऐसे सब जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ। अबे चल ना हल्का हो जा, किस चीज के 50 तुझे दे दूं, चल निकलता बन। हला यार ये नहीं करो यार, ये चीटिंग है यार, चीटिंग नहीं करो यार, पहले ही बात हो गई थी हमारी। अबे कोई बात बात नहीं हुई थी, देख ज्यादा बातें बनाने की कोशिश ना कर भाई, वो मोहल्लेदारों के पैसे थे, वो चोरी हो गए और उन लोगों ने शुक्र है खुदा का मुझे तरस खा के माफ भी कर दिया। लेकिन एक बात तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले, खबरदार जो इस बात को तूने दोबारा से रिपीट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी। आप सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम खाला साहब। क्या खिखी कर रहा है? अरे अम्मा कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम। लो आपा, मैं तो समझी थी कि मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ,
कोई गर्म जोशी से गले मिलोगी मुझसे? अब मैं तुम्हारी आमद की खुशी में भंगड़े तो डालने से रही। अरे तो भंगड़े ना डालो, लेकिन अच्छे से मिल तो लेती कम से कम ना। भाई मुझे ये लिपटा चिपटी से सख्त कोफ्त होती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप दिल की अच्छी है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। वैसे कितने दिन रुकने का इरादा है? हमारा तो तकरीबन 15 दिन का इरादा था, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान हो, मेरा दिल लगेगा, मैं और रह लूंगी यहाँ। वैसे मुझे तो बहुत याद आ रही थी इन दोनों बच्चियों की, ये तो जान है इनमें। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे माली हालात कुछ आजकल ठीक नहीं है, इसलिए मेहमान नवाजी में कुछ मुश्किल हो जाए तो बुरा मत मानना। नहीं नहीं, वैसे अल्लाह बख्शे, मेरी मरहूमा बाजी होती थी, मेरे आने पर इतनी खुशियाँ मनाती थी, ऐसे दस्तरखान सजा देती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों में ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, वो ले जाओ उस्मान में। थके हुए आए होंगे, आराम करेंगे। हाँ आप आए, चलते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने रजिया है? जी मास्टर साहब, मैं भी इसको यही समझा रहा हूँ। अव्वल तो घर आए हुए मेहमान के साथ तुमने ऐसा सुलूक किया, बहुत गलत किया। दोयम अगर गौसिया ने उसकी मेहमानदारी कर ली तो क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ भाई, तुम्हारी इज्जत बढ़ गई, रेशम गली की इज्जत बढ़ गई कि लोग कैसा एक ऐसे रहते हैं यहाँ पे, यानी किसी का मेहमान किसी के घर चले जाए तो उसकी भी खातिर मदारत होती है। लेकिन मास्टर साहब, वो हमारे घर बैठ के हुस्ना की तारीफ क्यों कर रही थी? तो क्या हुस्ना हमारी बेटी नहीं भाई? हुस्ना और फायजा दोनों हमारी बेटियां हैं, रेशम गली की बेटियां हैं। और देखो मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, ये तुम झगड़े करने के बहाने मत ढूंढा करो। मासी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अम्मी ने क्या किया, उनसे झगड़ा कर लिया, पता नहीं क्या बुरा भला बुरा। चुप करो तो मुंह बना। नहीं रजिया, देखो इस सारे मामले में गलती पे तुम ऐसा करो कि तुम अभी जाओ और उस रिश्ते वाली औरत को फोन करो और उससे माफी मांगो, और अगर वो दोबारा आना चाहे तो उसे बुला लो, और अगर नहीं भी आना चाहे तो कम से कम उससे माफी जरूर मांगो, समझी तुम? देख लिया खाला कैसी रूखी और बदमिजाज किस्म की औरत है हमारी सौतेली माँ। देख रही हूँ, जानती हूँ इस औरत के सारे लक्षण में। वो तो तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं कहती कि मैं चली जाऊंगी तो मासूमों को इस डायन को भुगतना पड़ेगा, वरना मैं तो इसे ऐसा धोबी पटखा दूं ना सारी जिंदगी उठ ना पाए। बस क्या बताऊं खाला, जिंदगी अजीरन करके रख दी है इस औरत ने, हर बात में रोक टोक, हर बात में नहुसत ज्यादा बातें। और सुन ले आप, के कंजूसी का तो आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारी सौतेली माँ ने, दुनिया में ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ वो तो नजर आ रहे हैं मुझे उसकी हरकतों से, कैसे कह रही थी माली हालात खराब है, ना शुक्री कही की। अपनी सगी औलाद पे हर तरह का खर्चा हो जाता है, लेकिन मुझे और हुस्ना को तो चाय में चीनी तक नाप तोल के देती हैं। हाय मेरी शहरबानो, सही कह रही है बिल्कुल, ड्रामों में दिखाते ना सौतेली माएं कैसी डायने होती हैं, बिल्कुल सही दिखाते हैं। खुद को तो शुगर है और इस चक्कर में हमारा भी चीनी से परहेज कराती चली जा रही है ये औरत। हाय दफा करो, कौन पिएगा चीनी के बगैर चाय, ऐसा लगता है जैसे गर्म उबला हुआ पानी। और नहीं तो क्या। अरे शहरबानो अब मैं आ गई हूँ ना, तू फिक्र ही मत कर, सब ठीक कर दूंगी। अरे मेरी मरहूमा बहन की जगह लेकर बैठी है, मुझे तो इस औरत से एक खास किस्म की नफरत है, नफरत। चले जाएं शरीफ भाई, रख दिया मैंने गर्म पानी। तुम लोगों के घर में गीजर नहीं है? अरे शरीफ भाई गीजर तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे गर्म पानी करके नहाते हैं, कोई मसला नहीं होता। ऐसे गीजर हो तो आसानी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, चलो शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शरीफ भाई को गर्म पानी चाहिए था तो वही करके दिया। हाय हाय इस गर्मी में गर्म पानी करके नहा रहा है वो, मुझे क्या पता, मुझे तो बोला तो मैंने कर दिया। ये पागल पागल है क्या? इसका बोलो सुन लेंगे तो बुरी बात है। भाई सुनता है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे। हाँ और याद आया मुझे, अम्मा क्या कर रही हो? चुप कर। ए भाई शरीफ, कौन? चश्मा पहन क्या, पहले चश्मा पहन जल्दी। ओह काला आदा। हाँ ठीक है, वो मैंने ये कहना था कि हमारी जो शैम्पू की बोतल अंदर रखी है ना वो बिल्कुल नई नई आई है, और हम पूरा महीना सारे घर वाले वो एक ही शैम्पू की बोतल चलाते हैं, तो जरा एहतियात से इस्तेमाल करना।
ऐसा ना हो कि माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाए। लेकिन खाला मैं तो शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं करती, उसमें सल्फेट होता है ना, बाल खराब हो जाए। वाकई ये तो और भी अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन हाँ साबुन रखा है, साबुन से नहा लो जितना नहाना है। अब मैं जाऊँ? जाओ, शुक्र है वो तो शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं करता। अम्मा बाज ना आना अपनी हरकतों से। हाँ तो भाई क्या है भाई, मेरे शोहर की हलाल की कमाई है, उड़ाने दो इनको मजे। जी वो आप रिश्ता लेकर आई थी ना मेरे घर? हाँ वो दरअसल मैंने माजरत के लिए फ़ोन किया था, मुझे ना आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जी वो बस गलती हो गई है, अब आपकी मर्जी है, आप अगर आना चाहती हैं तो ज़रूर आइए और नहीं आना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। अब अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बेटे को लेकर आइए ना। हाँ हाँ वो भी देख लेगा और हम भी उसे देख लेंगे, लेकिन बस मैंने वो माजरत के लिए फ़ोन किया था, आप दिल में कुछ मत रखिएगा। जी अल्लाह हाफिज़। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी औरत है, उन्होंने कहा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस हमारे तो यही काफी है। देखा मैं ना कहता था, मास्टर साहब कोई मशवरा दें और वो गलत साबित हो जाए, कितनी सही बात की थी उन्होंने। आप सच कह रहे हैं, और पता है वो कल आ रहे हैं, अब करूंगी मैं सही से तैयारियां। कल तो हाँ बोटी तुम बोटी। वैसे खाला आपका ये फैसला बहुत ही अच्छा था कि आप हमारे साथ अभी और रुक रही हैं। अरे मेरा बस चले तो मैं तो अपनी बच्चियों के लिए हर हफ्ते आ जाऊँ हैदराबाद से, अरे एक डेढ़ घंटे का तो रास्ता है बस। वैसे हमारी अम्मा मरहुमा कहा करती थी एक बार, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, इसलिए बहुत अच्छा करती हो कि हर हफ्ते चक्कर नहीं लगाती। खाला खाना खाए, खाना खाना सही से खा। वैसे आपा हम सोएंगे कहाँ? सहन में गद्दे लगा लेना। सहन में? हाँ बाकी तो कोई भी जगह नहीं है, ना एक्स्ट्रा रजाइयां हैं ना तकिए हैं, और वैसे भी मौसम ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ने की जरूरत पड़े तुम्हें। अच्छा वैसे यहाँ बैठ के खाते हुए मुझे तो बाजी मरहुमा की याद आ गई। हाय इतना लजीज खाना बनाती थी मेरी बाजी, मैं आती थी ऐसे हजारों खाने चुन देती थी मेरे आगे, उनकी हाथ की लज्जत तो किसी के हाथ में नहीं आ सकती। हाय मेरी बाजी आप इतनी जल्दी क्यों चली गई, ऐसा लजीज खाना बनाती थी, उंगलियां चबा जाते थे। अपनी या खाना बनाने वाले की? जाहिर है अपनी। हाय मेरी प्यारी बाजी इतनी जल्दी दुनिया से चली गई, इतने मजे मजे के खाने बनाती थी। अच्छा खाना खाते हैं ना, ज्यादा बातें नहीं करते, इतने वाला हलक में अटक जाए तो अंधा लग जाता है। खाना खाओ खाना खाओ। अंकल एक बात पूछूं? अंकल नहीं भाई बंटी। सॉरी भाई मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपकी दूर की नजर खराब है या करीब की? दूर की। अच्छा ये बताएं वो चांद नजर आता है आपको? हाँ। तो इससे दूर क्या देखेंगे, पता है चांद कितना दूर है, इसका मतलब तो आपकी नजर ठीक है। बंटी शरीफ भाई ये ना थोड़ा शरारती है, आप इसकी बात को बुरा मत मानिएगा। ये क्या बात हुई भाई, वो उसके जितना तो नहीं है जितनी वो बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हो उसके साथ ऐसे? ये शेरबानो मैंने तुमसे बात नहीं करी है। शेरबानो कोई बात नहीं हुँ? बच्चे। लेकिन हम भी तो बच्चे थे ना, हमने तो कभी जिंदगी में अपने बड़ों से बदतमीजी तक नहीं की थी। अरे तुम लोगों की तरबियत की थी मेरी प्यारी बाजी ने, इसीलिए तुम दोनों इतनी समझदार और इतनी तमीजदार हो। अब बाजी का नेमुल बदल तो कहीं से नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक कहा खाला आपने, तरबियत का बहुत असर होता है। मैं चावल लेकर आता हूँ। अम्मा आप क्यों, मैं ले आती हूँ ना। बस बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ले आती हूँ, बैठी रहो। अरे ऐसी बातें बोटी डालेगी, वो टांग वाली बोटी डालेगी। हेलो हेलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मुझे एक बात करनी थी, मुझे वो तुम्हारे पीले सूट का दुपट्टा चाहिए।
हाँ हाँ तो आकर ले जाओ। पूछोगी नहीं कि दुपट्टा क्यों मांग रही हो? खुद ही बता दो। आज जो रिश्ते के लिए आंटी आई थी ना, उसे अम्मी ने कॉल करके अपने रवैये की माजरत कर ली, तो अब वो कल दोबारा आएंगी। अरे वाह, ये कैसे हो गया? रेशम गली के लोगों में इतनी अकल कहाँ से आ गई कि अपनी अना को साइड पे रख के सोचने लगे और अपनी गलती भी मान ली। वाह, मास्टर साहब ने अम्मी को समझा दिया था। आइडिया था मुझे, एक मास्टर साहब ही मुनासिब इंसान है। खैर तुम वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि दुपट्टा कैसे लोगे थे? हाँ मैं काम करती हूँ, मैं हैदर भाई को बोलती हूँ, जब वो आ रहे होंगे ना तो रात को तुम दुपट्टा पकड़ा देना उन्हें। और वैसे भी तुम जा रही होगी ना एग्जाम्स के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन फायजा हैदर बहुत लेट आता है। देखो मना नहीं करना, मुझे दुपट्टे की बहुत जरूरत है, वो मेरे हरे वाले सूट के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। अच्छा ठीक है ना, तुम बोल दो हैदर को, मैं देख लूंगी। ओके थैंक यू, बाय। वो वासिया बेगम, मैं ये सोच रहा था कि बस थोड़े दिनों की बात है, कहीं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़े दिन के लिए अपना कमरा देते हैं उनको? क्या खबरदार, ना मत लीजिएगा मेरे कमरे का। मेरी तरफ से वो सड़क पे तंबू लगाकर सोएंगे, मैं किसी कीमत पर अपना कमरा नहीं दूंगी। अम्मा अम्मा, आज स्कूल से फाइनल नोटिस मिल गया है, अगर फीस पे नहीं की ना तो मुझे नहीं बैठने देंगे स्कूल में। सुन लो सलीम साहब, अब बताएं क्या करना है, बिठा लो घर इसे। नहीं नहीं, मैंने अपने दफ्तर वालों से बात की है, तो बेटा साफ बात है अभी ना 10-15 दिन और लग जाएंगे। अब्बा 10-15 दिन बस? नहीं नहीं अब्बा, वो तो अभी मुझे स्कूल में नहीं बैठने दे रहे। नहीं अरे छोड़ो, स्कूल वाले तो ऐसे ही डरावे देते हैं माँ बाप को। हाँ। कोई नहीं, स्कूल में जाने से रोकेंगे वो तुम्हें, चली जाना। अम्मा कुछ पैसे जमा किए तो दे देना। मतलब है पैसे जमा किए, मेरे पास उगते हैं पैसे। हाँ। भाई जो तुम्हारा बाप मुझे लाकर देता है मैं वही थोड़े थोड़े करके जमा करती हूँ ताकि जरूरत के वक्त काम आए। और ऊपर से ये मुसीबत, ये जो मेहमान आ गए ना, पता नहीं कितना नुकसान करके जाएंगे हम लोगों का। देखो आहिस्ता बोलो, बाहर मेहमान बेचारे बैठे हुए हैं। नहीं बैठे नहीं हुए, अब तो लेट गए हैं, वो सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। अरे सुने मेरी बला से, मुझे बड़ा डर पड़ा है। अब्बा बेटा तू परेशान ना हो, तू सुबह स्कूल जा और मैं तेरे प्रिंसिपल से खुद बात करूंगा। चल शाबाश जा। बेचारी सफिया को बाहर लेटा दिया। अरे कमबख्त, कहां लाकर डाल दिया है मेहमानों को, ये खुले आसमान तले उधर कबाड़ खाना रखा हुआ है। अम्मी जान, हम अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं ना, अब शिकायत तो नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकते शिकायत है, ये खाना बदोशों की तरह पड़े हुए, रास्ते पे कोई तरीका है? ये देख अम्मी जान, हम अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं ना, और कुछ दिनों बाद घर चले जाएंगे बस। तो मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी, ये सब देखने के लिए। आप हुस्ना और शहरबानों की मोहब्बत में आई थी ना यहाँ। ये भाई तो मोहब्बत तो मेरी एक तरफा है ना, भांजियों की मोहब्बत देख ले जरा, बड़ी मोहब्बत जताती है, अंदर पड़ी कमरे में सो रही है, मुझे यहाँ डाल दिया रस्ते पे। अच्छा इसका चुप। अच्छा मुझे सुबह ट्रेनिंग के लिए जाना, मैं सोने लगा, मुझे उठा दीजिएगा जल्दी। सो जाओ। इस्तग़फ़ार, कैसे कोई बेग़ैरत मच्छरों का कबीला बहुत है, हम बोर के रखते हैं। चुप सो जाओ। बाहर खड़ा हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ।
जल्दी से ले जाओ। ये क्या है, कम से कम शॉपर में डाल देती उसने यार। ये जो बटर तुमने चांद पे लेके जाना है, इधर ही तो रहते हो, तो नखरे क्यों कर रहे हो? पकड़ो। अरे इतनी रात को घर लेके जाऊंगा, अम्मा क्या कहेंगी? बेटा किसका दुपट्टा उतार के आया हो? हैदर बाइक में कहीं छुपा लो ना, अंदर जाके निकाल लेना। जब बकल बैठ रही थी तुम क्या छलनी लेके गए थे? पहली बार अकलमंदी ये बात की है, अच्छा आइडिया। वैसे मुबारक हो, रिश्ते वाले फिर से आ रहे हैं। हाँ यार, ये सब मास्टर साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने अम्मी को कहा कि दोबारा उन्हें कॉल करें, वो लोग बहुत अच्छे हैं यार, बड़ेपन का मजारा किया लोगों। खैर ये तो है, अच्छे लोग हैं तभी तो कोई इशू नहीं बनाया, पर ना होता अगर कोई ये रेशम गली का इतना बड़ा झगड़ा बना था, तुम्हारी सोच है। सही कह रही हो। हाँ यार, उसना दुआ करना यार, बहुत टेंशन में हो। टेंशन में क्यों? टेंशन कैसी क्या है, मेरे सामने ही है रिश्ता सर पे और हालात इतने टाइट है। यार इधर तुम टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। तुम कह रही तो मान लेता। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी। उसना हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ये लेके। ये क्या है? ये क्या है? ये सैंडविच। मुझे पता था कि हुस्ना इस वक्त पढ़ रही होगी, भूख लगेगी ना, तो ले आया मेरे लिए। थैंक यू, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। तो मैंने कब क्या जरूरत थी? हाँ ले ही आया हूँ तो खा लो, नखरे क्यों दिखा रही हो? अरे दुआ करना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके बाय। हुस्ना खाला आप जाग रही हैं? हाँ ये बाहर कहाँ गई थी, इस वक्त रात को है। अरे वो हैदर आया था, उसकी बहन को दुपट्टा चाहिए था, तो वो लेट नाइट ड्यूटी करके आया था, तो मैं बस उसे वही देने गई थी। लेकिन मैं तो एहतियात से गई थी, पर शायद आपकी नींद खराब हो गई। नींद खराब नहीं हुई, अब तो नींद हराम होगी मेरी। क्यों खाला क्या हुआ? अरे हुस्ना ये इतनी रात को उस लड़के से मिलना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तुम्हारा। बल्कि हाँ ये दोपहर को भी जब मैं आई थी तो तुम इसी लड़के से खड़ी हुई बातें कर रही थी, है ना? खाला तो क्या हुआ है? क्या हुआ क्या मतलब, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? खाला आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ एक दुपट्टा ही तो देने गई थी उसे। दुपट्टा देने गई थी? दुपट्टा दिन में भी दे सकती थी, रात को देना जरूरी था क्या? हाँ रात को देना जरूरी था, क्योंकि उसके अम्मा बाबा और हमारे अम्मा बाबा की लड़ाई है। अब समझ आ गया आपको? ये क्या है? ये वो चॉकलेट और सैंडविच लाया था मेरे लिए। हाय अल्लाह, तब इस्तग़फ़ार तब इस्तग़फ़ार। हुस्ना मेरी बच्ची तू किस जगह पे चल रही है? अरे ये गैर मर्दों से चॉकलेट और सैंडविच लेना ये शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं है। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। खाला क्या हो गया आपको? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो पड़ोसी है मेरा, हमारा बचपन साथ गुजरा है। अरे तो बचपन साथ गुजरा है ना, ये तो जवानी है। अरे बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची, अगर तू मेरे मोहल्ले में होती तो अब तक बदनाम हो चुकी होती। खाला ये आपका मोहल्ला नहीं है, ये रेशम गली है, यहाँ सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या बात है भाई, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप जाके सोए अंदर। हुस्ना क्या बात है? अम्मा हैदर आया था, फाइजल ने दुपट्टा मंगवाया था, मैं बस उसको वही देने बाहर गई थी। इस वक्त? हाँ यही यही तो मैं कह रही हूँ, इस वक्त? ये कोई वक्त है दुपट्टा देने का भला? खाला आप ये नहीं कह रही थी, आप तो बल्कि ये कह रही थी कि शायद मेरा और हैदर का चक्कर चल रहा है और मैं छुपके उससे मिलने गई थी। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। अरे मैं तो इसे ये समझा रही हूँ कि गैर लड़कों से मिलना बुरी बात होती है, अभी रात के इस वक्त। ओ बहन फालतू की बातें मत करना, ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कौन कितने पानी में। और खबरदार खबरदार मेरी लड़कियों के बारे में कोई गलत बात की तो। अच्छा तो इसमें चीखने की क्या जरूरत है, इतना आराम से बात करो। मैं अपने बच्चों के लिए ना कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें इसलिए आने दिया कि इनकी खाला हो तो, वरना खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। साले के बाबू। वालेकुम अस्सलाम, जाओ लेट कर आराम करो। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले पड़ोस से आवाजें आ रही हैं, मैंने कहा सोचा पता करूं क्या मामला है। हाँ कोई होगा आपस में मसला होगा, अब चले ना, इतनी रात हो गई है, जाके सो जाए आराम करें। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, महल्लेदारी भी कोई चीज़ है, पता करना चाहिए, कोई इमरजेंसी है खुदा ना खास्ता, जाओ जाके आराम करो। मर गए। मैं बता रही हूँ हूँ सौतेली ही, मगर हूँ मैं इनकी माँ ही, आइंदा ये बातें मत करना। अम्मा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही? चुप चुप कर जा। मैं सगी हूँ, समझ आई?
अरे तुम तो चाहोगी कि ये बिगड़ जाए, तुम्हारी तो जान छुटेगी, मैं परेशान होंगी अगर इनको कुछ होगा तो। सफिया मैं कह रही हूँ मेरे गुस्से को आवाज मत दो, मत करो ये बातें। कैसे ना करूँ मैं ये बातें हैं? अरे कोई बुराई कर रही हूँ मैं किसी की? अरे मुझे तो इनकी फिक्र है, इनकी फिक्रमंदी में ये बातें कर रही हूँ। अरे देख देख जरा ये बच्ची को चॉकलेटें और ये सैंडविच देकर गया है लड़का, पराया लड़का। तू ये चाह रही है कि मैं अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूँ? अरे ऐसे कैसे निकालेगी मुझे तू हाथ पकड़ के बाहर? आने दे, मैं बात करती हूँ सलीम भाई से। अरे क्या चल रहा है इस घर में ये सब कुछ? अरे क्या हो गया भाई, सब खैरियत है? आधी रात को इतना शोर मचा हुआ है, कौन आ गया इस वक्त? मुझे लग रहा है मोहल्ला जगा दिया तूने। हाँ बस इतनी रात हो गई, खत्म कर दे इस बात। चुप चुप कर जा तू, हर वक्त बीच में बोलता रहता है। सब खैरियत तो है ना, घर से बड़े चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, मामला क्या है? ये तुम किस सिलसिले में हमारे घर की जासूसियां कर रहे हो? चलो दफा हो यहाँ से। हैं हैं हैं, मैं भला क्यों जासूसी करने लगा तुम लोगों की? हक़ हमसाया इसलिए पूछने चलाया कि सब खैरियत तो है, मामला क्या है आखिर? लेकिन शराफत का तो जैसे जमाना ही नहीं है। पूछना है ना तो अपने लड़के से जाके पूछो। क्यों, हैदर ने क्या किया? रात को इस वक्त मेरी बेटी को सैंडविच और चॉकलेट देकर गया, बातें बन रही है हमारे घर में, जाओ यहाँ से। क्या सैंडविच चॉकलेट?